लेकर नहीं वही वही रखो आप नहीं लो जी आ गया जी बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल डल डल खत्म सब कुछ कब से आपको थायराइड ये मुझे तीन चार साल से तीन चार साल से डॉक्टर साहब तीन चार साल से अच्छा तो आपका ये कब से क्या फीलिंग होती है डाउन बिल्कुल लथार्ज बिल्कुल बेजार कभी कभी तो इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ बच्चे कहते हैं अम्मा को क्या हो गया है तो खुद भी बार बार एहसास होता है कि नहीं यार ज्यादा गुस्से हो गए लेकिन ये कि बहुत चिड़चिड़े होते बेजार सी जाती है लगता है बस फिनिश लाइफ अब खत्म। अच्छा मैं आप लोगों को एक राज की चीज बताऊं लेकिन मैं ऑन एयर नहीं बताऊंगी आप जब अकेले में ब्रेक होगी ना तब मुझसे पूछिएगा ऐसी चीज जिससे आप लोगों की ये जो डिप्रेशन और जो डाउन डाउन फीलिंग है ना ये खत्म हो जाएगी लेकिन इस शर्त के साथ कि मुझे और दुआएं देंगे आप बहुत सारी इंशाल्लाह ठीक है तो बस इंशाल्लाह ये मैं राज के बाद ब्रेक हर एक को नहीं बताऊंगी है बिल्कुल एक छोटी सी बात कर दो थायराइड की आप बात कर रही थी रात खाने के बाद दो घंटे के बाद एक चाय का चमचा कोकोनट ऑयल पी लीजिए रात खाने के दो घंटे बाद सोने से पहले कोकोनट ऑयल जो है सिर्फ एक टीस्पून वन टीस्पून आपने पीना है और दिन में दो दफा अदरक की चाय पीनी आप दो महीने बाद देखिएगा इंशाल्लाह। अभी तो रमजान है तो मेरे ख्याल दिन वाली चाय तो रह जाएगी लेकिन सोने शाम में पी सकते हैं शाम में पी सकते हैं तो यानी कि ये जो ये देखिए बड़ी खास घर की चीजें होती हैं दवाइयां जो होती हैं हम जितना भी लें दवाइयां तो दवाइयां होती है ना जो देसी चीजें हैं इस तरह भी बात हो रही थी आम के हवाले से कितनी कुदरती इसमें जो है वो फायदे आपके लिए यहाँ पर हैं ये जो जितनी भी डाउन डाउन आप कोई बात करना चाह रही है आम के हवाले से आप कीजिए सवाल कीजिए तो आप समीना आप और आप मुझसे अकेले में मिलिएगा मैं आपको बताऊं। मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि ऑयल कौन सा लें वो कंपनी का कोकोनट ऑयल या कोकोनट ऑयल वो अच्छा होता है जो अपने सामने आप निकलवाते हैं हाँ बिल्कुल अपने सामने नारियल की गिरी ले लीजिए उसका तेल निकलवा लीजिए और वो इस्तेमाल कीजिए टी स्पून चाय का चमचा और कोई सवाल जी मेरी बहन ये इधर बैठे जी थैंक यू दावेश जी नहीं नहीं बैठे जैसे आप मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग कह रहे हैं कि आम में फैट नहीं है और अगर मैंगो शेक हम लेते हैं डेली तो उससे हमारा वजन बढ़ता है तो ये सही है या गलत तो है? आम में दूध डालेंगी तो यही होगा बहन आप क्या चाह रही है आम के साथ दूध में भी जो है वो फैट नहीं ना वाह क्या सवाल की मेरी बहन वाह 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 डॉक्टर साहब मैं आपके असिस्टेंट में जवाब देती हूँ मैं आपका छोटा पांडा ये आपने सवाल क्या किया देखिए आप कह रही डॉक्टर साहब आम में तो फैट नहीं है अब उसका हम मिल्क शेक में डालते हैं उसमें क्रीम भी डालते हैं उसमें दूध भी डालते हैं शुगर भी क्या करे तो कंट्रोल करो बहन किसने कहा है कंट्रोल नहीं होता ना छह महीने में तो आते हैं सिर्फ आम सिर्फ छह महीने में तो आते कैसे कंट्रोल करें अब मैं इसका नहीं बता सकती जवाब कंट्रोल कैसे करें बातें सुन लो इनकी जी डॉक्टर साहब हाँ जी अच्छा हम अभी ये डिश बना रहे हैं जी हमने आम की क्यूब्स काट लिए छोटे छोटे पीसेस कर लिए सही है इसमें हम मिल्क पैक की क्रीम डालेंगे ठीक है नेस्ले का मिल्क पैक अगर आप डाइट कर रहे हैं डाइटिंग पे हैं तो आप दोपहर का लंच अभी तो रमजान है तो एक वक्त का खाना जो है स्किप कर दें और इसके उसके बजाय जो है आप ये खा लीजिए अच्छा ये नहीं कि आपने दो प्लेट बिरयानी भी खाई और एक प्याला ये भी खाया तो फिर ज्यादा जाहिर है कुछ नमकीन के बाद मीठे का भी दिल चाहता है इंसान है क्या हो गया अच्छा इसको तमाम क्रीम डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तभी मैंने अपने भाइयों का नाम लिया था छोटे छोटे से बच्चे हैं ये और क्या हम लोग खाने पीने मामले के बिल्कुल बच्चे जाते हैं बिल्कुल मेरे तो दो प्याले होंगे फिर मैं ज्यादा छोटी हूँ इसको दो प्याले पहले निकाल दें वरना हमें बदहजमी हो जाएगी इसके पहले अलग कर दें पेट में दर्द होगा वरना है ना बता रही हूँ हाँ बिल्कुल सही है और इसको क्रीम की ज्यादा जरूरत है और कोई सवाल है आम के हवाले से तो जरूर बताइएगा बहुत कोई देखिए डॉक्टर साहब के हवाले से कोई सवाल हो दी इनके पास आइएगा और फिर जो भाई हमारे पीछे बैठे जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम फरजाना है जैसे कि आपने बताया कि आम की जो गुठलियां निकलती हैं वो उनसे तेल निकाला जाता है तो वो किस तरह निकलेगा तेल वो तेल कह रहे हैं कि आप बालों में लगाएं वो उसके लिए फायदेमंद है वो जहाँ से तेल मिलता है वहीं पर एक खास अंदाज होता है इसका तपाल जंतर कहते हैं इसको और ये एक्सट्रैक्शन फॉर्म होती है आप पंसारी के पास जाएं वो निकाल के देंगे घर में नहीं निकाल सकते आप खुद नहीं निकाल सकते और रूबी शकील आपा का बहुत शुक्रिया कि इतना खूबसूरत लिबास उन्होंने डिजाइन किया जो आपको अच्छा लग रहा है ये कपड़े उन्हीं डिजाइन किए हुए हैं थैंक यू रूबी आपा थैंक यू सो मच जजाकल्लाह खैर अच्छा हमने इसमें क्रीम मिला ली है इसके बाद हम करशी का जामे शीरी इसके ऊपर डालेंगे
या अल्लाह कुछ कसर न छोड़ना आज नहीं, रोजा हम इसी से इफ्तार करेंगे। ये जो आप अभी कह रहे थे जो थायराइड्स के जो पेशेंट्स हैं जी, जिनको टेंशन या जो भी डिप्रेशन है डाउन लेथार्जिक, मेरा मशवरा है कि आप उसको लाइफ बता दें ताकि यहाँ लाखों लोग देख रहे हैं आपके जरिए से एक अच्छा मैसेज चला जाएगा। अच्छी बात कर रही, मैं आपको मना भी नहीं कर सकती। अरे सुने, डॉक्टर साहब की इजाजत से बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अरसे पहले मैं अपने बिजनेस के काम के लिए कजन्स और फैमिली में दुबई गई हुई थी, तो वहां पर हम अपने काम हम कर रहे थे और यही था कि डॉक्टर साहबा जो है मेरे साथ साथ थायराइड्स के, वो मुझे दवा देती कभी ये ले लो कभी ले लो। फिर एक टाइम आया मैंने मैग्नीशियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया। किसका? मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, शायद क्या पता डॉक्टर रेहान भाई ने आज कहा है अमरीन, तो शायद इसी बहुत जल्दी दिन से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग एक्चुअली खुद बनाना चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी मैग्नीशियम जो बिल्कुल होम मेड हो, वो मैग्नीशियम अगर आप पानी में मिलाकर पिए, उसकी मिकदार तकरीबन 450 से 500 mg के बीच में होनी चाहिए, वो अगर हम बहने और भाई सारे अगर एक दफा ले लें दिन में, तो आप नोट करेंगे कि आपको जो डाउन फीलिंग, थकी हुई फीलिंग, हर वक्त उदासी, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा, किसी की बात अच्छी नहीं लग रही, ना तैयार होने का दिल चाहे, अगर आप मैग्नीशियम लेना शुरू कर दें। आजकल चेरीज हैं, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ी सी मिकदार चेरीज की बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल, और रात को सोने से पहले अगर आप चेरीज लें तो आप सुबह उठेंगे ऐसे और जंपिंग जैक की तरह भागते दौड़ते नजर आएंगे। आप यकीन माने, ये रेहान भाई के को भी दुआ दीजिएगा, अगर उन्होंने मुझे कहा बताने के लिए, आप ये इस्तेमाल शुरू कर दें इंशाल्लाह का बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा फील है। पीछे ताबिश आपके एक बहन सवाल करना चाह रही, बहुत देर से उन्होंने हाथ खड़ा किया। जी भैया, सबसे पहले तो मैं अपने सारे मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और रमजान शरीफ मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक बहन, आपका नाम बहुत शुक्रिया। आप माया, मैंने आपसे एक सवाल करना था, आपने थायराइड के बारे में सवाल किया। मेरे थायराइड तकरीबन बचपन से ही है। अच्छा, बचपन से जी। और मुझे डॉक्टर कहते हैं कि आप खाना ना खाएं लेकिन गोली जरूर खाएं। ऐसा ही है, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन मौला करम है, मौला का कि मैं ही कहती हूँ कि सुभान अल्लाह क्या बात है, क्या बात है। देखिए यही तो हमारा ईमान है, अगर हम अपने ईमान के साथ अगर अपने अंदर ये फील करें कि मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए सुन्नत भी है, अगर आप चुटकी लीजिए, नहार मुंह कलौंजी, इतनी सी कलौंजी लीजिए, ये तीन उंगलियां ये उठाई आपने और आपने कहा या रब्बुल इज्जत मैंने अपने आका के नाम उनके वसीले से मुझे तो शिफा अदा कर, मैं उनको सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। लीजिए पानी लीजिए, देखिए कोई बीमारी टच करती है आपको। और आम के बारे में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, मैं तो ऐसी करती हूँ अलबत्ता। रहा माया आम के बारे में, मैं आम के बारे में अपने बारे में ये बताऊंगी कि मैं बच्चों से भी दोस्ती नहीं रखती आम के बारे में। भाई ये आंटी आम वाली है, इनसे सारे आम बचा लो आज, सेट के छुपा लो। फदिनाजाद इसी हंसते खेलते सफर को रखते हैं जारी, इस सफर के बाद हमारे साथ रहेगा रमजान इश्क है ये सेगमेंट, यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचा। डॉक्टर उमेरा हिल बना रही रेसिपी, हम अब आगे बढ़ेंगे अपने उलमा इकराम के साथ और इस वादे के साथ कि परवरदिगार हमें इज्जत देने वाला है। तलाश गुमशुदा आज से शुरू हो रहा है सेगमेंट, इस सफर के बाद हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक। الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمد الله لا إله إلا الله سب شامل ہو جائیں سبحان الله وبحمد الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمد الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله سبحان الله وبحمد الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمد الله لا إله إلا الله بلبل طوطي پروانا بلبل طوطي پروانا ہر ایک اس کا دیوانا کہہ دے سبحان اللہ
बुलबुल तूती परवाना, हर एक उसका दीवाना, कुमरी किसका मस्ताना, कौन चकोर खजाना ना। सुभान अल्लाह व बिहम्दिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो है मुनज़्ज़ा शिरकत से, वो है मुनज़्ज़ा शिरकत से, पाक सुकूनो हरकत से, काम है उसके हिकमत से, करता है सब कुदरत से। सुभान अल्लाह व बिहम्दिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं हूँ बंदा वो मौला, कौन है अपना उसके सिवा। मैं हूँ बंदा वो मौला, कौन है अपना उसके सिवा। मैं हूँ उसका वो है मेरा, जिसने बनाया और पाला। सुभान अल्लाह व बिहम्दिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिल्लाह ला इलाहा سبحان اللہ و بحمد اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمد اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمد اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر ریحان بھائی جزاک اللہ خیر السلام علیکم خواتین و حضرات ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ آئے ساتھ لائیو موجود رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن اے ٹی وی اے پلس پر براہ راست دیکھ رہے ہیں نہ صرف آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہمارے ساتھ ہیں بلکہ سوشل میڈیا کے تھرو کرشی کے ساتھ کے ساتھ اے پلس کے فیس بک پیج سے آپ ہمیں گاہے بگاہے لائیو